वहीं राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप आयोजन बीजेपी से मौजूदा निगम पार्षद सरोज बाला जैन और उनके बेटे कार्यकर्ता नीरज जैन की तरफ से किया गया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एकदम व्यवस्थित तरीके से कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। साथ में COVID-19 की गाइडलाइंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसे कैंप लगने से लोगों को भी सुविधाओं का आनंद रहा है, क्योंकि ऐसे कैंप समय समय पर ऑर्गेनाइज होने से लोगों को काफी फायदा मिलता है। लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए डीएम ऑफिस जाना पड़ता है, जो रोहिणी से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है, और एक केंद्र होने की वजह से लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ऐसे में घर के पास ऐसी सुविधाओं का आनंद मिलना बहुत ही सुविधाजनक है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, हमारी निगम पार्षद जी सरोज बाला जैन जी ने हमारे वार्ड की सहूलियत के लिए आज अपने वार्ड में 3 दिवसीय आधार कार्ड कैंप लगाया है। हमारे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आधार कार्ड की है, क्योंकि आज आप जानते हैं आधार कार्ड हर चीज़ में जो है आज आधार कार्ड रिक्वायर मतलब मांगने लगे हैं। तो उसके लिए हमने 3 दिन का यहाँ कैंप लगाया है और ये कैंप हमने 1 दिन का और एक्सटेंड करवा लिया है। जुदू राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर, जहाँ रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर आधार कार्ड का एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद हैं सरोज बाला जैन उनके नेतृत्व में, यहाँ पर जो नीरज जी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। पूरा का पूरा कैंप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आधार कार्ड अपडेशन का काम यहाँ पर चल रहा है लोगों को, ताकि सुविधा मिल सके, क्योंकि कोविड का भी समय चल रहा है, जो ऐसे में लोगों को पास के अंदर ही सुविधा ऐसी मिल पाए, क्योंकि एक ही ऐसा केंद्र रहेगा तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। इसलिए सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पास के पास ही लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ऐसे में यहाँ लोग हमसे हम बात करना चाहेंगे। मैम नाम बताएं अपना। कशिका। कशिका जी, आपको यहाँ घर के पास ये सुविधा मिल गई आधार कार्ड जो अपडेट कराने आप आए, तो कितना आपको सुविधा लगती है कि यहाँ पर ऐसे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं? हमें तो बहुत सुविधा मिली है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। 5-10 मिनट में हमारा काम हो गया है। मम्मी का और मेरा दोनों का था, मैंने अपडेट करवाना था, उनका न्यू बनना था, तो दोनों का 10-15 मिनट्स में। अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, अच्छे से हो गया। जैसे कि हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि सुविधा उनको बहुत ठीक प्रकार से प्रदान की जा रही है। लोग बहुत यहाँ पर काम की सुविधा का आनंद भी ले पा रहे हैं, क्योंकि जिनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था उनको पास ही ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं। मैं बात की करूं, इस टाइम पर बारिश बार हो रही है और बारिश होने के बावजूद भी काम के अंदर आप देखेंगे काम यहां पर लगातार चल रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली।